हाइब्रिड क्रॉस जिसको हम बोलते हैं एक संकर संकरण। सबसे पहला संकरण मोनो का मतलब हो गया सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल, और हाइब्रिड का मतलब हो गया दो अलग अलग, दो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं संकर, संकर का मतलब हो गया दो अलग अलग कैरेक्टर, और सिंगल का मतलब हो गया एक, एक और बन गया संकर, और क्रॉस का मतलब हो गया संकरण, संकरण मतलब हो गया मिलना, जिसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। जिसके लिए हमने बताया कि सेवन तरह के मंडल ने कैरेक्टर को चुना, उसमें से हम लोग सबसे पहले जो कैरेक्टर चुनते हैं वो दो तरह के कैरेक्टर, तो हम लोग सबसे पहले पेरेंट को चुनते हैं, जिस चूँकि जो जिसके थ्रू कैरेक्टर क्रॉस कराया जाएगा वह पेरेंट होगी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब हो गया वन पेयर ऑफ अपोजिट कैरेक्टर आपको चुनना है, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, आप सात कैरेक्टर में से आप कोई भी चुन सकते हैं जिसमें से हम अपने प्रयोग में चुन रहे हैं क्रॉस करने के लिए दो तरह के कैरेक्टर, एक कैपिटल टी कैपिटल टी, और वहीं दूसरा चुन रहे हैं स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पर कैपिटल टी क्या है, तो कैपिटल टी जो है वो टॉल को एक्सप्रेस करता है, कि टॉल प्लांट जो होगा उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, तो ये क्या हो गया कैपिटल टी, और जो कैपिटल टॉल है लंबा है, और दूसरा जो हम उसको करते हैं ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब हो गया एक लंबा पौधा और एक बौना ले सकते हैं, बौना कर सकते हैं। तो दो तरह के कैरेक्टर को चुने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसको हम लोग सबसे पहले क्रॉस करने के लिए क्या करेंगे, पेरेंट आपके पास क्या हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, किसका है, तो हम लोग पाइसम सेटिवम को चुने हुए हैं, मटर को चुने हुए हैं, और मटर भी में चार सेवन कैरेक्टर, उसमें से कोई एक कैरेक्टर को लेके हम क्रॉस करें, तो हम सबसे पहले इसको अलग करते हैं। तो अलग करने का जो प्रोसेस है यही कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या लॉ अलग करना, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेग्रीगेट, मतलब छांटना, अलग करना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको क्रॉस करने के लिए अलग अलग करते हैं, अलग अलग किया, तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको इससे क्रॉस कर दिए, तो आया क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पर क्रॉस किया आया क्या कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो हो गया। तो ये पहली बार कर रहे हैं इसलिए इसका नाम रखेंगे F1 जनरेशन, मतलब पहली पीढ़ी में आपने जो क्रॉस किया तो ये हो गया F1 जनरेशन। फिर इसको हम लोग सेग्रीगेट करेंगे, अलग करेंगे, और यहाँ पर जो कैरेक्टर आ रहा है इस कैरेक्टर को दूसरा जनरेशन में करने का क्या जरूरत, क्योंकि आपने क्रॉस कराया था कैपिटल टी को स्मॉल टी एक अच्छा कैरेक्टर को लाने के लिए, लेकिन आपने देखा कि 50% डोमिनेंस का गुना गया, दोनों मिलावट वाला गुना है, जो एक्सप्रेशन था कि हम बहुत सारा चेंजिंग करेंगे वो चेंजिंग वाला गुण नहीं है, इसकी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ा फिर से इसको अलग करना पड़ा। तो अलग करते हैं फिर, तो अलग करने का जो गुण है उसको हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से क्रॉस किए, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी हो गया, फिर कैपिटल इसको इससे किए तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, फिर इसको इससे किए तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, फिर इससे इसको क्रॉस किए तो स्मॉल टी आया। कैसे किए, पहले वाले को पहले वाले के साथ, फिर पहले वाले को दूसरे वाले के साथ, या फिर दूसरे वाले को पहले वाले के साथ और दूसरे को वाले को दूसरे, मतलब फर्स्ट को फिर फर्स्ट को सेकेंड से, सेकेंड को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, ठीक है। ये कैरेक्टर आया, अब ये जो कैरेक्टर क्रॉस हुआ तो इसको बोलेंगे एफ टू जनरेशन। आपके पास दो तीन तरह के कैरेक्टर है, एक ये, एक ये और एक ये। ये जो कैपिटल टी आया, यहाँ पर जो कैपिटल टी आया इसको बोलेंगे टॉल, जो कि आपके कैरेक्टर में मौजूद था, कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरे जनरेस में जिसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड, हाइब्रिड में यहाँ पर होगा क्या, यह बाहर से देखने में बड़ा दिखेगा लेकिन इसके अंदर रिसेसिवनेस का भी गुण होगा क्योंकि मिलावट है। और तीसरा हुआ स्मॉल टी जिसको हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ, अर्थात इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, मतलब इस ये जो कैरेक्टर आया बदलाव करना था सबको, लेकिन इस कैरेक्टर वाले के पास कोई चेंजिंग नहीं है, बदल किसको लिए, तो ये जो नया दो कैरेक्टर आपको सामने दिख रहा है ये हो गया हाइब्रिड कैरेक्टर और यही बदला, बाकी ये कैपिटल टी। तो इसमें हम देखेंगे कैपिटल टी कितना है तो एक है, ये कितना है तो दो है, और ये कितना है तो एक है। इसी से हम लोग बनाते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो जो होता है जैसे 1:2:1, वहीं आता है दूसरा फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ जाएगा, तो फिनोटाइपिक में का मतलब हो गया कि इसमें कैपिटल टी कितने में मौजूद है, इसमें है, इसमें है और इसमें दो है, दो में है मौजूद, मतलब इसमें इसमें एक दो और एक में इसमें, तो तीन हो गया, तो तीन में कैपिटल टी मौजूद है, कितना में स्मॉल टी है,
तो अकेला में है, तो ये जो रेशियो आया ये फिनोटाइपिक हो गया। तो रिजल्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस से क्या आया, जीनोटाइपिक रेशियो में 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो में आ गया 3:1। अब इसी के थ्रू जो है मेंडल का जो क्रॉस हुआ, तो इस क्रॉस में होता क्या है कि दो तीन चीज़ आया, हमने बताया कि इसमें दो रोल आता है। एक आया कौन चीज, यहाँ पे हमने अलग करने का काम किया, एक तो अलग करने का काम किया, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हमने इसको अलग करने का काम किया। और दूसरा आता है लॉ, इसमें हम डोमिनेंस कैरेक्टर को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो गुण आया ये चीज कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस किया उसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, तो 1:2:1। डायहाइब्रिड रेशियो क्या आता है, मोनोहाइब्रिड रेशियो में फिनोटाइपिक इफेक्ट क्या आता है, 3:1। ठीक है, इसके अलावा इससे कितने रूल बन सकते हैं, इससे बन सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब हो गया कि दोनों को अलग अलग करके क्रॉस करना। और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या, तो F1 जनरेशन में जो आपके पास कैरेक्टर आया है ये जो गुण हो गया ये आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस इस तरह से कंप्लीट होता है।